हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फ्रेम टूल कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताना। जिसके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम फ्रेम टूल पे ऑलरेडी वाला सिलेक्शन है, तो फ्रेम टूल को हम कैसे यूज करेंगे वो आपको मैं बताने लगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, फ्रेम टूल को हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। और उसके पहले मैं ये एक फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वो करता हूँ मैं, कंट्रोल वो, और उसके बाद हम ये वाला पिक ले लेंगे। अभी इसको मैं अनलॉक करूंगा और उसके बाद इसको सिलेक्शन करके हमारे फ्रेम टूल, हमारे जो फ्रेम का जो डिज़ाइन था वहाँ पे मैंने इसको लेयर नंबर 1 पे यहाँ पे ले लिया। ओके, अभी हम फ्रेम टूल यूज़ करेंगे। फ्रेम टूल पे हम जस्ट सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसको, हमारा जो जितना हमें फ्रेम लगाना है उसको हम जस्ट हम सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद क्या करेंगे, इस फोटो को, और उसके बाद हम मूव टूल की मदद, मूव टूल पे हम क्लिक करेंगे, इस फोटो को इस फ्रेम में हम ऐड कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फ्रेम में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगा। अभी आप यहाँ पे हम एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल टी करेंगे, इस फोटो का पूरा हमें साइज दिख रहा है, तो हम यहाँ से इसका साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मैं जस्ट इसको एंटर कर दूंगा। और इस तरीके से हम फ्रेम टूल हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको, आपको कहाँ पे फोटो का फ्रेम, आपको आपको कौन सी जगह पे आपका फ्रेम सेट करना है, आप सिंपल उसको हम सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद उसको हम, हमारा फोटो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं और एक बार आपको बताता हूँ, हम फ्रेम टूल पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे इतना फ्रेम सिलेक्शन किया हूँ और उसके बाद मैं मूव टूल पे क्लिक करूंगा, मेरा फोटो में वापस मैं यही फोटो ले लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद सिंपल उस पे यहाँ पे आके उसको मैं छोड़ देता हूँ। कंट्रोल टी करेंगे, आप देख सकते हैं वो फोटो का साइज कितना है, उसको हम थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। ओके, मुझे ठीक लग रहा है, जस्ट मैं इसको एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देंगे हम, ये होगा फ्रेम सेट। तो इस तरीके से हम फ्रेम, फ्रेम टूल यूज करके हमारे फ्रेम्स हम अच्छे से हम सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।